ओए अमीन, तूने लॉन्च किया है, हम भी बार करेंगे। ये ले 2.5 किलो का हाथ। तो एनीवे गाइस, आप सभी को पता है कि ये मार्केट में ये दो कंपनी बहुत ही टफ कंपटीटर है। स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, ईयरफोन्स, हर एक सेगमेंट पे इन दोनों का कंपटीशन रहता ही है। एंड कंपटीशन के चलते हम लोगों को, मतलब कस्टमर को, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैंने दोनों ईयरफोन्स को फॉर 399 मैंने खुद के पैसे से परचेस किया है। तो ये जो कंपैरिजन रहेगा एकदम अनबायस्ड कंपैरिजन रहेगा। एंड देख लेते हैं कौन किससे यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करता है। एंड गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थोड़ा लाइक कमेंट भी किया करो, क्योंकि ये थोड़ा बूस्टर की तरह काम करता है। एनीवे गाइज, वीडियो को शुरू किया जाए। गाइज, मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखा के बोर नहीं करूंगा। अगर आपको अनबॉक्सिंग देखना है, मैंने फुल रिव्यू किया है, दोनों का इंडिविजुअल वीडियो भी डाला है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो, और याद रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। दोनों का बॉक्स कंटेंट सेम ही है, बस रेडमी में आपको इनर स्टाइल डिजाइन मिल जाता है, जिसके कारण आपको दो पेयर एक्स्ट्रा या टिप्स भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। तो पहले यहाँ पर हम ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बट ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो ईयरबड्स का डिज़ाइन है वो भी ऑडियो क्वालिटी को एक्सपीरियंस करने के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि रेडमी में है इनर स्टाइल डिज़ाइन, वेयर एज रियलमी में है एप्पल एयरपॉड जैसा डिज़ाइन। अब मैं पर्सनली इनर स्टाइल डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियो है वो डायरेक्टली एयर कनाल में जाता है, यहाँ पर जो इनर स्टाइल डिजाइन नहीं है उसके कारण ऑडियो थोड़ा सा लीक होता है। मैंने रियलमी बड्स एयर एंड रियलमी बड्स एयर नियो दोनों को यूज़ किया है, वहाँ पर भी सेम ही स्टाइल है ईयरबड्स का, पर रियलमी ने यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा इम्प्रूव किया है, ताकि जो ऑडियो है वो बहुत ही कम लीक होता है। ड्राइवर साइज यहाँ पर रियलमी में है 14.2 mm, रेडमी में है 10 mm। अब भाई ड्राइवर साइज को मारो गोली। रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो रेडमी ने यहाँ पर बेस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है। अगर आप बेस गाय हो तो ये बेस आपको फॉर श्योर पसंद आएगा, बट जहाँ पर बेस की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक ऑडियो में जहाँ पर वोकल का बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है, वहाँ पर भी आपको अननेसेसरी सा बेस बूस्ट होने के कारण अननेसेसरी वाइब्रेशन सा फील होगा। अगर आप बेस गाय हो तो ये बेस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बट अगर बेस गाय नहीं हो तो मैं बताऊँगा गो फॉर रियलमी बड्स क्लासिक। इसका बेस बहुत ही बैलेंस्ड है, कोई भी अननेसेसरी बूस्टेड बेस इसमें नहीं है। मिड टोन्स वोकल की बात किया जाए तो रियलमी बड्स क्लासिक में वोकल क्वालिटी बहुत ही क्रिस्प है। इवन जो हाइज एंड जो ट्रिबल सेगमेंट है और जो म्यूज़िक में छन छना छन आवाज़ होता है, वो भी रियलमी बड्स क्लासिक में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है। वेयर एज रेडमी ईयरफोन्स में वोकल और भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, एंड बेस हेवी होने के कारण मैंने मार्केट में जितने भी कम प्राइस वाला ईयरफोन है जहाँ पर बूस्टेड बेस रहता है, ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है। जो ट्रिबल सेगमेंट है वो बूस्टेड बेस के अंदर दब जाता है, और भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता रेडमी ईयरफोन्स में तो बेहतर होता। इवन इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक क्लैरिटी भी रियलमी बड्स क्लासिक में स्लाइटली बेटर है। यहाँ पर दोनों का ही ऑडियो क्वालिटी को लेकर अगर आप कन्फ्यूज्ड हो, दोनों का ऑडियो रेटिंग्स देख लो, आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैक्सिमम 100% वॉल्यूम में दोनों की लाउडनेस की बात किया जाए तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाउड है। 100% वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट पे हो तो भी 90-95% वॉल्यूम ही काफ़ी है। 100% वॉल्यूम पे रियलमी में मैंने क्वालिटी लॉस नोटिस किया है, जो क्वालिटी लॉस रेडमी में कम है। हेलो, पबजी में गालियाँ पहनना, रात में गर्लफ्रेंड के साथ नॉटी नॉटी खेलना, इसके लिए चाहिए आपको अच्छा माइक्रोफोन क्वालिटी। एंड क्वालिटी चेक करना है, दोनों का सैंपल आपके सामने है, आप लोग खुद से डिसाइड करो। तो गाइस, अब हम कर लेते हैं माइक्रोफोन टेस्टिंग। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग चल रहा है, पहले मैं इसे कान पे पहन लेता हूँ। तो गाइस, अब हम कर लेते हैं माइक टेस्टिंग ऑफ रियलमी बड्स क्लासिक, पहले मैं इसे कान पे पहन लेता हूँ। एनीवे गाइस, यहाँ पर चल रहा है माइक्रोफोन टेस्टिंग ऑफ दिस आधा अधूरा नाम वाला ईयरफोन रेडमी ईयरफोन्स। तो इधर आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग चल रहा है, एंड भाई ऊपर फैन एकदम 5 speed पे चल रहा है, खिड़की बिड़की सब कुछ खुला है, एंड ऊपर भाई फैन एकदम 5 speed पे चल रहा है, खिड़की बिड़की सब कुछ खुला है। आई होप जो बाहर का नॉइज है, जो एम्बियंट नॉइज है, उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो
तो भाई इसका माइक्रोफोन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बाहर कुत्ते भी भौंक रहा है, आई होप बाहर का जो एम्बियंट नॉइज है वो आप सुन पा रहे हो। अगर आप वो सुन नहीं पा रहे हो तो भाई इसका माइक्रोफोन क्वालिटी सही है, आई मीन जो नॉइज कैंसलेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। एनीवे आपके सामने प्रूफ है, आप लोग खुद से ही डिसाइड करो कैसा है इसका माइक्रोफोन क्वालिटी। एक ही कंप्लेंट है कि इसका जो माइक्रोफोन का प्लेसमेंट है मुंह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, बाकी और भी मैंने बहुत सारे ईयरफोन्स यूज किया है पर माइक्रोफोन का प्लेसमेंट बहुत ही नजदीक पे रहता है। बट ये क्या मेजर प्रॉब्लम है? देखो अगर आपका जो वोकल है वो सही तरीके से कैप्चर कर पा रहे तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ आपके सामने ही है, आप खुद से डिसाइड करो। अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी एंड फिटिंग्स की बात किया जाए तो भाई बिल्ड क्वालिटी दोनों में सही है, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। फॉर 399 आई विल गिव 10/10 इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। दोनों में आपको रबराइज वायर देखने को मिल जाता है, वायर का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, थिक वायर देखने को मिल जाता है एंड वायर टैंगल फ्री है एंड फील्स ड्यूरेबल। रियलमी के वायर में आपको लाइन टेक्सचर देखने को मिल जाता है जो थोड़ा बहुत प्रीमियम फील देता है। इवन रियलमी में एक केबल ऑर्गेनाइजर भी है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आप यूज़ ना भी करो टैंगल फ्री वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इसको आप स्टाइल फैक्टर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये येलो कलर का है, लुक्स कूल। एयर कप का बिल्ड दोनों में ही प्लास्टिक है एंड एयर कप के पीछे कोई भी फैंसी मैग्नेट नहीं है। Realme में स्ट्रेट जैक है whereas Redmi में L शेप्ड जैक है। Realme में भले ही आपको इनर स्टाइल डिज़ाइन नहीं मिलता है बट इसका जो फिटिंग्स है बहुत ही सही है। Redmi में इनर स्टाइल डिज़ाइन मिल जाता है, इसका भी फिटिंग्स सही है बट इसका जो एयर टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, थोड़ा सा ग्रिपी मटेरियल यूज़ होता तो बेहतर होता। ये कभी कभार कान से गिर जाता है बट नो कंप्लेंट्स, इसका फिटिंग्स भाई बहुत ही सही है एंड दोनों ही भाई बहुत ही कंफर्टेबल है। लेटते वक्त नॉर्मली चलते फिरते दोनों ही बहुत ही कंफर्टेबल है। दोनों में आपको सिंगल क्लिक ही बटन मिल जाता है, सिंगल क्लिक कॉल कट एंड रिसीव, म्यूजिक पॉज एंड प्ले, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक से आप ट्रैक चेंज कर सकते हो एंड लॉन्ग प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हो। अब यहाँ पर दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो दोनों ही मेरे को बहुत ही सिमिलर सा लगा है, बट तो भी अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मेरे को थोड़ा सा Realme Buds Classic बेटर लगा है क्योंकि इसका जो ओवरऑल ऑडियो है थोड़ा सा क्रिस्प है। सो फुटस्टेप्स, गन फायरिंग, ये सब Realme Buds Classic में थोड़ा सा क्लियर ऑडिबल है, बट तो भी यहाँ पर दोनों में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेम एक्सपीरियंस। एंड भाई तार वाला ईयरफोन है सो लेटेंसी दोनों में जीरो है। गाइज मैंने दोनों ईयरफोन्स का हर एक कलर वेरिएंट के अनुसार नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है, जो कलर्स अवेलेबल है उनको आप चेक कर सकते हो। आई होप गाइज मैंने इस कंपैरिजन में कोई भी डिटेलिंग को मिस नहीं किया है, अगर कुछ भी मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। एंड गाइज ये डिटेल कंपैरिजन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।